नेता होने जा रहा है मोदी स्टेडियम में, क्या कहेंगे तुम्हें पुत्र जो आज अहमदाबाद की धरती पे एक ऐतिहासिक मैच होने जा रही है। देश भर से क्रिकेट के प्रेमी आज अहमदाबाद में पधारे हुए हैं। हमने क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मिलकर पूरा प्रयास किया है कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से स्टेडियम तक पहुंचने में किसी भी दर्शकों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। खास तौर पे मैं बीसीसीआई एवं गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का आभार मानता हूं, उन्होंने सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में दर्शकों के लिए खास तौर पे हाइड्रेशन से लेके दूसरी और सब व्यवस्थाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज जिस प्रकार से अहमदाबाद और भारत भर में एक नारा गूंज रहा है, जीतेगा भाई जीतेगा, भारत वाला जीतेगा। सर अंतिम सवाल, तीन गुजराती लोकल हुए हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह, जबरदस्त गेंदबाजी करें, क्या उम्मीद है कोई लोकल बॉय से? ये सरदार वल्लभ भाई, पूज्य महात्मा बापू, नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह की धरती गुजरात की धरती है। गुजरात के 6 करोड़ गुजरातियों की ओर से भारत के सभी प्लेयरों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहां हर एक व्यक्ति, प्रत्येक प्लेयर भारत के लिए खेल रहे हैं और भारत का तिरंगा ऊंचा लहराएंगे। थैंक यू सर। सर, इंडिया पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, क्या है सुरक्षा के इंतजाम? सर आज यहां अहमदाबाद में एक ऐतिहासिक भारत पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, जिसके लिए पुलिस तरफ से पूरी बंदोबस्त की यहां तैयारियां हो गई हैं, पूरा बंदोबस्त लगा दिया गया है। कुल देखें तो सुरक्षा व्यवस्था जो बंदोबस्त की है वो पुलिस स्टेडियम, अपने जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम यहां पर है, उसके अलावा जहां वो लोग रह रहे हैं होटल सुपर है, रोड की व्यवस्था है और खास कर से जो संवेदनशील विस्तार है वहां हमने थोड़ा एक्स्ट्रा बंदोबस्त लगाया है। स्टेडियम के, ओनली स्टेडियम का अगर हम देखें तो उसमें लगभग 2500 के करीब फोर्स है, लेकिन सभी बंदोबस्त का अगर हम ऐड कर लें जिसमें संवेदनशील होटल्स वगैरह का, तो लगभग 7000 से ज्यादा की पुलिस फोर्स हमने इसमें लगाई है। कौन सी सेंट्रल एजेंसीज? और सेंट्रल एजेंसीज के बारे में, हमारे पास रैपिड एक्शन फोर्स की 3 कंपनियां हैं, जिसमें एक कंपनी हमने स्टेडियम पे रखी है, 2 कंपनियां संवेदनशील विस्तार में रखी है। इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की भी टीमों हमारे पास है, एनएसजी की भी टीम है। और मैं बताना चाहूंगा कि एनडीआरएफ की टीम तो कैपेबल होगी कि कोई भी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर का कोई ऐसा उनको थ्रेट लगता है तो वो डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको न्यूट्रलाइज की भी कार्रवाई वो आगे कर सकते हैं। मैच खत्म होने के बाद, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं, हार जीत पर बहुत चीजें निर्भर करती है, क्या मैच खत्म होने के बाद बड़ा चैलेंज आपके लिए भी हो जाएगा इतने लोगों को निकालना भी और हार जीत को लेकर के सिचुएशन हो सकती है, लगता है कि? देखिए, हमने यहाँ तैयारियां सभी कर ली हैं, इवैक्यूएशन ड्रिल का भी हमने यहाँ रिहर्सल कर लिया है। हार जीत का फैसला जैसा भी हो, लेकिन पुलिस की तरफ से, दोनों ही तरफ से तैयारियां हैं, खासकर से ट्रैफिक की व्यवस्था में हमने खास एफर्ट्स किए हैं, क्योंकि जब ये करीब 1 लाख से ज्यादा की जब ये स्पेक्टेटर्स निकलेंगे तो उसके लिए ट्रैफिक का भी हमने बंदोबस्त किया है। थैंक यू सर। थैंक यू।